नमस्कार, आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अजिता। आज बात तीन इंजीनियर एक वकील की, आज बात झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की, आज बात एक ऐसे इंजीनियर की जिसकी कोरोना काल में नौकरी चली गई, आज बात एबीसीडी की, आज बात न्यूटन सतरंगी इंद्रधनुष की। जी हाँ, आज बात नुक्कड़ पाठ शाला की होगी। यहाँ पर आपको यह सारे रंग दिखेंगे, तो देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पिछले 200 दिनों से ज्यादा हो गए इस नुक्कड़ पाठशाला को खुले हुए। इस पाठशाला में बहुत कुछ खास है, इतना कि क्या छोड़ा जाए क्या दिखाया जाए यह समझ पाना बेहद मुश्किल है। बात करते हैं सबसे पहले उस मैकेनिकल इंजीनियर की जिसकी कोरोना काल में अच्छी खासी नौकरी चली गई। निराश होकर वह अपने घर रीवा आ गया। दोस्तों के साथ संक्रमण काल में टहलता रहा। उसकी टीम में थे उसके चार दोस्त, जिसमें दो दोस्त सिविल इंजीनियर, एक वकील, चारों बेरोजगार। इसी दौरान शहर के उस इलाके पर इनकी नजर पड़ी जहां पर गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। वहां पर खाने का इंतजाम था, लोग तमाम चीजें उनको दे रहे थे, अगर कुछ नहीं दे रहे थे तो वह थी शिक्षा। जी हाँ, चारों बेरोजगार दोस्तों ने सोचा खाली है, बच्चों को क्यों ना पढ़ाया जाए, और शुरू हो गई नुक्कड़ पाठशाला। एक बच्चा चार शिक्षक का सफर 50 बच्चों तक इन 206 दिनों में पहुंच गया। एक की जगह दो जगहों पर लगने लगी इनकी नुक्कड़ पाठशाला। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे अगर न्यूटन के बारे में पानी कैसे बरसता है जैसी बातें करें तो असंभव सा लगता है, लेकिन यह कारनामा भी किया है नुक्कड़ पाठशाला ने। आपको सुनकर आश्चर्य जरूर हुआ होगा, लेकिन यह हकीकत है। आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। नाम बताओ। मेरा नाम करण बंसल है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बारिश कैसे होती है। बारिश होती है जब सूर्य की किरणें जब पानी में पड़ती है, तो सूर्य की किरणें जब पानी में पड़ जाती है तो भाप बन के ऊपर जाता है, वो फिर बादल बन जाता है, फिर जब ठंडा होता है तो बारिश बन के नीचे चला आता है। पर हम मेरा नाम हम आपको रेनबो के बारे में बताने जा रहे हैं। ये रेनबो कैसे बनता है, जब सूर्य की किरण पानी की बूंदे से टकराती हैं तब उधर से फात कलर निकलते हैं। उन फात कलरों का नाम है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। उनकी रेड की वेवलेंथ है 620 से लेके 720 नैनोमीटर। उसकी फिर क्रम्फी है 440 से लेके 480। हम न्यूटन के बारे में बता रहे हैं। न्यूटन ने क्या हमें क्या बताया था, न्यूटन ने हमें ये बताया था कि जब भी कोई वस्तु ऊपर फेंको वो नीचे इसलिए आ जाती है क्योंकि उसमें धरती में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच लेता है। तो सुना आपने, बड़े से बड़े स्कूल भी इस लेवल की शिक्षा अपने स्कूलों में नहीं देते होंगे जो यह चार बेरोजगार युवक अपने बच्चों को दे रहे हैं। तीन इंजीनियर एक वकील, नौकरी की तलाश में भटकते या बेरोजगार युवक निराश नहीं है, बल्कि अपने साथ उन बच्चों को भी सपने दिखा रहे हैं एक बेहतर जीवन के। आइए अब आपको मिलवाती हूं उन बेरोजगार शिक्षकों से जिनकी यह सोच थी उनके जज्बे को जितना भी सलाम किया जाए कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिन्न भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ मैं मौजूद हूं रीवा बाईपास में। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये बाईपास है। सतना से इलाहाबाद बनारस जाने वाले लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक पाठशाला खुली है बाईपास के किनारे। आज हम उसी पाठशाला में हैं
और देखेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे इस पाठशाला में ऐसा क्या है खास जो हमें शहर के बाहर यहाँ तक आना पड़ा। इस समय आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर कुछ बच्चे आपके दिखाई दे रहे होंगे, वो बच्चे पढ़ रहे हैं सामने ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में अमूमन सबसे बड़ी बात है मैथ्स पढ़ाई जा रही है एक तरफ कुछ और भी लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है ऐसे बच्चों को जो उनको अंग्रेजी पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पढ़े पूरी टीम है, मौजूद है, मैं उस टीम से बात करूँगा, उसके बाद बच्चों से बात करूँगा। क्या नाम है, कब से पढ़ा रहे हैं? सर मेरा नाम दलजीत सिंह है, मैं हम लोगों को आज 204 दिन हो गए हैं पढ़ाते हुए, और ये अभियान चालू हुआ था नुक्कड़ पाठशाला के नाम से, और अब देख लीजिए पहले शुरुआत में कुछ कम बच्चे पहले आते तो अपनी क्वालिफिकेशन बता दीजिए। सर मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, भोपाल से करी है मैंने इंजीनियरिंग, और सर जॉब भी करी है मैंने उसके बाद, मगर कोविड के कारण सर जॉब मुझे छोड़नी पड़ गई, बट अब हम ये पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारा एक लक्ष्य था बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि बच्चे हमारे आज के जो ये जैसे छोटे मतलब ऐसी स्थितियों में रह रहे हैं, इनके पास मोबाइल नहीं है, पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है, तो इनको सुविधा प्रोवाइड कराएं, हम लोग ऐसी चीज़ें बताएं बच्चों को कि वो हमारे एक मुख्य धारा होती है उससे जुड़े। मुख्य धारा होती है उससे जुड़ी, क्या नाम बताया आपने? दलजीत। हमारे साथ दलजीत थे, आपने सुना जो सबसे बड़ी बात, मैकेनिकल इंजीनियर 200 दिनों के दौरान नौकरी चली गई कोरोना वायरस की वजह से, उसके बाद ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना अपने आप में एक बड़ी बात है। यहाँ पूरी टीम उनकी मौजूद है, नाम बताइए, पहले अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, फिर बताइए ऐसा क्या दिमाग में आया कि आप इन बच्चों को पढ़ाने लगे? मेरा नाम प्रसून मिश्रा है, मैंने सिविल से इंजीनियरिंग की है और अभी बीएड चल रहा है, लास्ट ईयर है, और पढ़ाने का शौक़ हमेशा से ही रहा है, और कोविड के समय जितनी समस्याएं आई समाज में, जितना हमने न्यूज़ में देखा, उसी हिसाब से ये लगा कि जब शहर के बच्चों की इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं तो ऐसे एरिया में कितनी प्रॉब्लम होंगी, वहाँ तो और ज़्यादा समस्याएं होंगी बच्चों को पढ़ने के लिए उनके पास, क्योंकि मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए हमने ये सोचा कि एक पहल की जाए। हमने अपने दोस्तों से बात की, दलजीत से, सागर से, क्षितिज से, आलोक से, कि हम ऐसा मिलके क्या कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। एक सिविल इंजीनियर, मैं भी आपसे और बात करूंगा, सिविल इंजीनियर, उसके बाद इस इलाके में बच्चों को, पहले सारे लोगों से बातचीत हो जाए। नाम बताइए, क्वालिफिकेशन बताइए। आलोक मिश्रा नाम है मेरा, और मैं अभी BBA LLB क्वालिफाइड हुआ हूँ 2021 में। वकालत और ये बच्चे, ये बात समझ में नहीं आई। सर वकालत भी एक सोशल स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है, और बच्चों को पढ़ाना भी देश के भविष्य की और सोसाइटी समाज में उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनको समाज के बराबर लाकर खड़ा करने के लिए एक बहुत ज़रूरी हम लोग को महसूस हुआ कि बच्चों को उनकी एक खुद की आवाज़ देनी बहुत ज़रूरी है, तो खुद की बच्चों को आवाज़ देने ज़रूरी थी। इंटीरियर इलाके के बच्चे जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे से नहीं पढ़। नाम बताइए। सागर तिवारी। मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ जी। क्या क्या दिमाग में बात आता है जब इन बच्चों को आप पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा लगता है जब पढ़ाते हैं, और बहुत जल्दी सीख रहे हैं, ये लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं सही जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इनमें ग्रोथ पाई जा रही है, आज इनको न्यूटन के बारे में पता है, इनको गैलीलियो के बारे में पता है, इनको वाटर साइकिल पता है, पानी कैसे बरसता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सब देख। तीन इंजीनियर एक वकील, अपने आप में बड़ी बात, यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब एक इंजीनियर अगर कुछ पढ़ाएगा, सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर, तो अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, और अपनी इच्छा से वो क्या पढ़ाएगा, खासकर जब मैथ्स और सिविल इस तरीके की बातचीत होगी। मैं कुछ बच्चों से भी बात करूंगा। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अमन कुशवाहा है। क्या पढ़ रहे हो? सर अभी बहुत पढ़ा चुके हैं। क्या क्या पढ़ा है, कुछ याद हो बताओ। सर वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा चुके हैं, सर मैथ भी पढ़ा रहे थे, मैथ में फर मल्टी गो गुड़ा भाग लघुत्तम ऐसे सब पढ़ा रहे थे, फर फमी उमीकरण सर पढ़ा रहे थे, ऐसे बहुत पढ़ा रहे थे। सर पढ़ाते हैं, समझ में आती बात? यस। कैसा लगता है? सर अच्छा लगता है जब पढ़ाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ के सुनाओ। ट्राई मेजर ट्रेपेजियम रेक्टेंगल स्क्वायर काइट
रोम है जी। क्या नाम है बेटा, क्या पढ़ रहे हो आप? मेरा नाम आकांक्षा कुशवाहा है। बताइए क्या पढ़ रही हैं आप? पैरामीटर के बारे में। क्या पैरामीटर में क्या बताया सर ने अभी? सर जो लिखा वो पढ़ाई पढ़ के बताइए। ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, पैरेललोग्राम। छोटे छोटे बच्चे हैं ये, धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के ये तीन इंजीनियरों और एक वकील ने बीड़ा उठाया। अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ बात, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हालांकि मैं इसके बारे में काफ़ी दिनों से सोच रहा था, सुन रहा था और जाने की इच्छा भी थी। अनायास जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैंने ये देखा यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से ये बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने आप में देख के ऐसा लग रहा है कि ये तीनों इंजीनियर और एक वकील इनको कुछ ना कुछ बना कर रखेंगे। जिस तरीके से ये पढ़ाई हो रही, हम 204 दिनों, जैसा मुझको बताया गया, लगभग 204 दिन हो गए इस पढ़ाई को यहाँ पर चालू हुए और आज ये बच्चे बेहतर स्थिति में आ गए हैं। निकट भविष्य में जो एग्ज़ाम होगा, ऐसा लग रहा है कि उस पर भी इनका कुछ ना कुछ बेहतर स्थान होगा। अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विन भारत। जी, मेरा नाम प्रसून मिश्रा है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है और अभी बीएड का सेकंड ईयर चल रहा है। तो ये विचार ऐसे आया, जैसे बताया हमारे साथी ने, कि कोविड के समय में जिस तरह बच्चों को उसकी सुविधाएं नहीं मिली, और जब हम यहाँ पहुँचे, बच्चों से बात की, यहाँ के लोगों से मिले, तो एक उत्सुकता भी रही यहाँ के लोगों में और उन्होंने काफ़ी हमें एक जगह दी पढ़ाने के लिए। बच्चों में उत्सुकता थी और जब हमने स्टार्ट किया पढ़ाना तो हमने देखा कि पिछले दो साल का इनका, मतलब अगर कोई बच्चा एट्थ में है तो उसके पास जो नॉलेज है वो अभी फिफ्थ सिक्स तक का ही रह गया है, क्योंकि दो साल का जो गैप था अब हमें वो भी फिल करना था। और बस यही था स्टार्ट करने का, और कि सही एजुकेशन, सही नॉलेज मिले, जिस तरह हमें मिली है हम उनको उसी तरह मुख्य धारा से जोड़। नमस्ते, मेरा नाम दलजीत सिंह है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करी है और इसके मैं जॉब भी कर रहा था, और ड्यू टू कोविड हम लोगों को जॉब, हमारी काफ़ी दोस्तों की, मेरी, हम लोगों की छूट गई, इसके कारण हमें शहर वापस आना पड़ा। उसी जब शहर वापस आए और हमने स्थिति देखी, और हम निकलते थे, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे आते थे, दोस्तों के साथ मिलते थे, तो देखा कि झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे भी हैं और ये पढ़ नहीं पा रहे हैं। और मेरे मित्र प्रसून मिश्रा जी, इनके साथ हमने बैठे और हमने एक सोचा कि कोई ऐसा हम लोगों को प्रोग्राम चलाना चाहिए जिसमें हम इनको शिक्षा दे पाएँ। जब हम यहाँ आए, सर्वे किया हम लोगों ने, सबसे पहले सर्वे किया था हम लोगों ने, बच्चों के बारे में पता किया कि कौन कौन है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं, तो पता चला कि बच्चे उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं ढंग से। हम लोगों ने स्टार्ट किया, मेरी जॉब जा चुकी थी, मेरे घर वालों ने भी कहा था कि क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बट हम लोगों को लगा कि नहीं करना चाहिए। फिर स्टार्ट हुआ और आज की स्थिति यह है कि बच्चों को काफ़ी कुछ मालूम है, बच्चे काफ़ी प्रगति कर रहे हैं, और बस अब यही कहूँगा, आगे भी चलता रहेगा। 206 दिन हो चुके हैं और अगर भगवान ने चाहा तो जब तक हमारे से हो पाएगा तब तक करेंगे। बाकी आपका सपोर्ट। मेरा नाम आलोक मिश्रा है, मैंने बीबीए एलएलबी की है। हमने ये प्रोग्राम चालू करने का सोचा था जब हमारे पास हमारे प्रसून भैया आए थे, और उनने कहा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस कोविड काल में पढ़ाई नहीं कर पा रहे, और जो स्कूल रेगुलर जाते थे अब वो स्कूल भी नहीं जा पाते क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन था। इनके पास ना ही ऐसे कोई यंत्र थे, ना ही ऐसे कोई साधन थे जिससे ये कोविड के टाइम पर पढ़ाई कर पाएँ, और इतने लंबे समय तक लॉकडाउन होने की वजह से जो इनने पहले भी पढ़ाई की थी वो भी ये पीछे होते जा रहे थे। तो भैया ने ये जिम्मेदारी उठाई और हम सबको साथ में लेकर ये इनको पढ़ाना चालू किया, और आज 204 दिन हो चुके हैं पढ़ाते हुए इनको, और बच्चों में हमें काफ़ी सुधार देखने के लिए मिला है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ये हम लोग का
एक दिन हम लोग बैठे थे, सभी लोग प्रसून भैया, दलजीत भैया, ये सब बैठे थे, इन लोगों में बात चल रही थी कि बच्चों को शिक्षा दी जाए, क्योंकि कोरोना काल में क्या है कि सब लोग जो भी कर रहे थे बहुत कुछ दे रहे थे, खाने को दे रहे थे, लेकिन एजुकेशन कि उसमें कोई कुछ नहीं कर रहा था। फिर हम लोग जब इस बस्ती में आए तो हम लोगों ने बात की, यहाँ भी काफ़ी उत्सुकता देखने को मिली लोगों के बीच कि पढ़ाने आएंगे, अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद काफ़ी कुछ सवाल भी थे उनके कि आप आएंगे 7 दिन आएंगे, 15 दिन आएंगे, 10 दिन आएंगे, फ़ोटो खिंचाते हैं, काफ़ी लोग चले जाते हैं। तो उन्होंने हमसे बोला था कि आप आइए तो रेगुलर आइए, और उसके बाद हमने आज 204 दिन हो गए हैं इनको पढ़ा रहे हैं। बच्चों में काफ़ी सारा उत्साह भी है और काफ़ी प्रगति भी है इनमें, काफ़ी चीज़ें ये लोग जानने लगे हैं। ये लोग न्यूटन, गैलीलियो, ये लोग जानते हैं वाटर साइकिल क्या होती है, लाइट कैसे आती है, वेवलेंथ क्या होती है, यहाँ तक कि इन लोगों को पता है यूनिट, नैनोमीटर, ये सब हर चीज़ें इनको पता है। तो काफ़ी अच्छा लगा ये सब करके, धन्यवाद। तो देखा आपने यह कहानी आज के उन पढ़े लिखे नौजवानों की जिन्होंने पढ़ाई तो बहुत की, लेकिन उन्हें मिला क्या? केवल आत्मसंतुष्टि की यह कहानी है, उस सरकार के तौर तरीके की जिसे केवल वोट की राजनीति करनी है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांटना है, उसे युवा बेरोजगार को केवल अपने लिए इस्तेमाल करना है। हम एक बड़ा सवाल उन जिम्मेदारों के लिए छोड़कर जा रहे हैं जो इस खबर के लिए जिम्मेदार है। तो मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए विंध्य भारत।